पॉजिटिव वाइब मिल गई भाई, और आपको मेरे को मिला आज कम से कम दो साल बाद। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप किया तुम सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया होना चाहिए, मेरी दुआएं आपके साथ है और आपकी मेरे साथ होनी चाहिए। यहाँ पे अपनी गाड़ी पूरी रेडी हो रही है, सामान वगैरह रखा जा रहा है, टिफिन रखा जा रहा है। साहब भैया क्या हाल है? ठीक, 150 रुपये लगे व्लॉग में आने के लिए। ठीक है, तो सीन क्या भाई, मैंने तुम्हें व्लॉग में बताया था, शायद बताया कि नहीं बताया, कि मैं लद्दाख ट्रिप से पहले ना रजौरी जाने वाला हूँ। तो वही अभी मैं रजौरी के लिए निकल रहा हूँ, गाड़ी में सामान वगैरह रख रहे हैं, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, घर से निकलते हैं, फिर तुम्हें रास्ते में मिलते हैं। और मान लो कि ना लद्दाख ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है आज से, अपनी सीरीज है जो स्टार्ट होने वाली है, और डेली तगड़े तगड़े कैंट कैंट से व्लॉग आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके रखो ठीक है चैनल को। चलो मिलता हूँ तुम सबसे। सो फाइनली गाइस, अभी तुम चेक करो मैं कहाँ पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा, मैं भी पहुंच चुका हूं शाहदरा शरीफ में। पूरे रास्ते में ड्राइव कर रहा था इसलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया। अभी तुम चेक करो, अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा, मैं और यासी चल रहे हैं अभी धीरे धीरे। अभी मैंने जस्ट व्लॉग स्टार्ट किया है, यहाँ पे पहुंच के रूम वगैरह लिया, पहले फ्रेश वगैरह हुए, इतना ज़्यादा थक गया ना मैं। जो रजौरी वाला रोड है ना भाई, वो थोड़ा सा एक साल तक वो ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है, सुकून मिल रहा है मेरे को। बाकी का मैं सुबह दिखाऊंगा तुम्हें, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया, कुछ भी नहीं दिखेगा, सांस फूल रही है मेरी। लेट्स गो, अभी ऊपर जाएंगे, दुआ वगैरह करेंगे, फिर आएंगे रूम में रेस्ट वगैरह करेंगे, फिर दोबारा सुबह जाएंगे। हेलो गाइस, यहाँ पे हम ज़ियारत पे आए थे, हमें देखो कौन मिला यहाँ पे, अच्छी जगह पे, पॉजिटिव वाइब मिल गई भाई, और आपको मेरे को मिला आज कम से कम दो साल के बाद। साहब माँ की कसम, ऐसा लग रहा था पिटबुल से मिल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था सैंडी से मिला हूँ। देख अपना नाम अब सारे के सारे सैंडी कमेंट मत करना, आपको ही कमेंट करना भाई। कल तो हम यहाँ से लद्दाख निकल रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है यार, अपने पुराने वाले जो क्लासमेट थे, जो केबी वाली वाइब थी ना भाई, वो पूरी वापस आती है। तुम सब काफी देर से वेट कर रहे थे यार, कब ये सीन हो, कब हो, क्या आने। कोई सीन ही नहीं है, बस ऐसा है कि काम थोड़ा ऊपर नीचे चला जाता है। भाई काम कर रहा है, तुम्हारा भाई खुद काम कर रहा है। भाई देखो इतनी बारिश पड़ी कि पानी कहाँ से निकला वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ये काफी ज्यादा थक चुका है, रूम में जा रहा है रेस्ट करने के लिए। तो चलो मिलते हैं कल। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शाहदरा शरीफ। तो कैसे हम सब, होप किया तुम सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे साथ में देखो बंदा सोया हुआ है मस्त। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज चुके हैं, तुम्हारा भाई उठ चुका है, अभी फ्रेश वगैरह होंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, सलवार कमीज डालेंगे मस्त ब्लैक वाली अपनी। तो बाहर का मैं एक बार तुम्हें बता दूं, रात को मैं लेट आया था यार, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखा नहीं पाया था। हालत इतनी ख़राब हो रखी है ना मेरी, ये चीज़ चेक करो, डार्क सर्कल पड़ चुके हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है अच्छे से। ये रूम था कुछ अपना ऐसा अच्छा था, अच्छे से सोए थे मज़े से। तो बाहर का व्यू मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार। वाओ, ठंड है वैसे सुबह सुबह यार। वाओ, इतनी खूबसूरती तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। हमें जाना है उस साइड, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे तुम चेक करो, अपनी एक गाड़ी वो लगी हुई है, एक वो उधर लगी हुई है, वहाँ पे तुम देखो। मॉर्निंग, उठ जा। गुड मॉर्निंग, यहाँ पे तुम चेक करो। बहुत सारे बंदे ये चाहते हैं कि मैं अपने हेयर कट करवा लूं, मैं करवा लूंगा जल्दी, मैं खुद इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। ना हेलमेट डाली जाती है, ना कैप डाली जाती है, ये हाल है देखो, अजीब से लग रहा है ना, ज़्यादा दिक्कत होती है हेलमेट में। कोई नहीं, इनका इलाज कर देंगे जल्दी, टेंशन मत लो। अभी फ़िलहाल चल रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। कल शाम को इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना, यहाँ पर आ तो गए, वापस रूम तक जाने तक ना इतनी बारिश हुई, पूछो ही मत। रास्ते में गर्मी थी, यहाँ पे आके ना ठंड लग रही है मेरे को। वाह, पर सुबह सुबह का वेदर इतना प्यारा, इतना अच्छा।
सो अभी दोबारा से चेंज वगैरह कर लिया, अभी टाइम मैं बता दूँ क्या हो रहा है इस टाइम पे, ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। अभी यहाँ से तैयारी वगैरह करते हैं, बैग वगैरह मैंने पैक कर दिया, ये रही अपनी गाड़ी, इसको मैं कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ, तो फिर फटाफट मुझे निकलना है। मैं थोड़ा सा लेट भी निकल सकता था बट तुम्हें पता मेरे को लद्दाख राइड स्टार्ट करनी है, जम्मू जाकर निकलना है दोबारा से वापस, कल से ड्राइव कर रहा हूँ, अभी दोबारा से गाड़ी चलानी है मेरे को, फिर घर से बाइक उठानी है, दोबारा से निकलना है। ये सीन चल रहा है, देख लो इतनी बिजी लाइफ हो सकती है किसी की। तो यहाँ पे पेट्रोल अभी काफ़ी ज़्यादा है, इस पेट्रोल से घर पहुँच जाएगी लगभग, मैंने पूरी टैंक फुल करवाई थी, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी है। अब इसको मैं लद्दाख से वापस आकर ही देखूँगा, सामान वगैरह एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ भाई, कोई चीज़ें रह ना जाए रूम में, ज़्यादा सामान नहीं है, एक दो बैग ही है, कुछ भी नहीं देख रहा था मैं, एक बैग आगे पड़ा हुआ है। ये देखो ये मेरे को रास्ते से मिले थे मोर के पंख भाई, कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, देख रहे हो, ओह नाइस, लेट्स गो भाई चलते हैं। पूरे रास्ते मेरे को ड्राइव करनी है, मैं पता नहीं ब्लॉग स्टार्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट फिर भी अगर नहीं कर पाया तो घर जाके ब्लॉग एंड कर दूंगा।